दोस्तों मेरे पास गाड़ी आई है, महिंद्रा सेंचुरो गाड़ी है। ये गाड़ी पहले थी जो है, जिसको बोलते हैं डिजिटल मीटर, और डिजिटल जो होता है इसका सेंसर वो भी था। तो इसमें सब सब डाल चुके हुए, वायरिंग है, और ये दूसरा जो सीडीआई है, भी मैग्नेट कॉइल चेंज है, लॉक सेट चेंज है। मैग्नेट जो होता है, ये पहले सीडीआई बता दिया, फिर उसके बाद में वायरिंग है, और जो मैग्नेट जो कॉइल होता है पूरा कंप्लीट, वो भी चेंज हुआ है। लॉक सेट चेंज हुआ है, जो लॉक होता है, लॉक सेट किसको बोलते हैं, जैसे ये लॉकिंग है, इसे पूरा नया डाला हुआ है सब। जैसे जो नॉर्मल गाड़ी थी उसका सादा बना दिया। बनाने के बाद अब ये गाड़ी में क्या हो रहा है कि इसका लाइट, हेडलाइट जो होता है अब नहीं चालू हो रहा। हेडलाइट चालू होने का जो प्रॉब्लम है अभी इसमें, सब देखो सब नया वायरिंग आपको दिख रहा है। तो इसमें जब इसका जो चार्जर होता है यहाँ लगा हुआ है, चार्जर में लगाने के बाद फिर आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी ये जूना जो चार्जर इसका होता है, मैंने इसमें तो मतलब फिटिंग हो चुका हुआ। फिटिंग होने के बाद जो इसका होता है लाइट नहीं चालू हो रहा है। आपको पहले इसको ये बाहरी खोल के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी हेडलाइट कैसे नहीं चालू हो रहा है, इसमें क्या चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है, पहले वो बताने जा रहा हूँ मैं। आप ये देखिए, जो ये पीला कलर का एक वायर है, पीला और येलो कलर में जो इसको पीले का येलो कलर बोलते हैं, उसमें करंट नहीं आ रहा। आपको दिखा दे रहा हूँ वायर से चेक करके, ये आपको दिख रहा होगा। देखियो पीला कलर में, देखो यहाँ से एक वायर ब्लैक कलर का लगा हुआ है। अब इसको अर्थिंग मतलब ऐसे ऐसे देखिए, यहाँ इसमें अभी करंट नहीं आ रहा। अब इसमें करंट नहीं आ रहा तो आप कौन से गाड़ी का सीडीआई, दूसरा जैसे इलेक्ट्रीफायर जो चार्जर होता है, तो आप कैसे भी इसको दूसरा गाड़ी का आप डाल सकते हो। अभी हमने आपको सीडीआई बोला था, मिस्टेक से आपको चार्जर बोलने वाला था। अभी इसको ओपन कर दे रहा हूँ मैं। तो ओपन करने के बाद अभी ये गाड़ी कौन से गाड़ी का है, होंडा जो 3G गाड़ी होता है उसका ये इलेक्ट्रीफायर जो चार्जर होता है वो है। अभी इसमें मैंने फिटिंग कर चुका हूँ। अभी ये देखिए, अभी आपको करंट दिखा दे रहा हूँ वापस। ये देखिए, अभी देखो पीला कलर में लग चुका हुआ, अभी इसमें करंट दिखा रहा हूँ मैं। अभी ये देखिए पूरा अच्छे से, ये देखो करंट आने चालू हो गया हुआ है, ये देखिए। इसमें ज़्यादा टाइम तक लगा के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो क्या होता, कभी कभी मैग्नेट कॉल है ये चार्जर वापस उड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। अभी इसका जो गाड़ी का है, आप होंडा एक्टिवा जो 3G होता है उसका मैच होता है, आप सोचोगे 110 का अलग टाइप होता है, तो 110 का नहीं मैच होगा, तो इसमें 3G का मैच होता है। और इसका जो सॉकेट होता है, इसका ब्लैक कलर का देखिए, वायरिंग का ब्लैक कलर का है। दूसरा वाला जो होता है देखो, इसमें ब्राउन कलर का है, ये ब्राउन कलर का आप इसमें फिटिंग कर सकते हो, क्योंकि ब्राउन कलर का देखिए ये भी है, कभी आपको नहीं मिला तो बहुत इजी से मैच होता है ये होंडा 3G गाड़ी का। अभी आप सोच रहे होंगे लाइटिंग का, इसमें लाइटिंग भी बराबर परफेक्ट जलेगा, और आपका जो होता है बैटरी बराबर परफेक्ट चार्ज होगा। आप होंडा एक्टिवा 3G का इसमें लगा सकते हो, फिटिंग कर सकते हो।